गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में देख सकते हैं कि आप इस तरह से बन बना सकते हैं। दिस हेयर बन इज स्पेशली फॉर शॉर्ट हेयर। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इस तरह से हेयर बन बना सकते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कॉम योर हेयर फर्स्ट, अच्छे से बालों को सुलझा लीजिए। मेक अ लो पोनीटेल, एक लो पोनीटेल बनानी है आपको इस तरह से। और उसको थोड़ा सा लूज रखना है, देन थोड़े बाल छोड़ के फिर से एक रबर बैंड आपको बांधना है। इसको भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, सिंपल लूज थोड़ा बांधना है। आप दोनों रबर बैंड्स को थोड़ा सा और लूज कर लीजिए और फिर बालों को रोल करते हुए आपको इस सारे बालों को सेंटर में अंदर, सारे बालों को आपको अंदर के अंदर टग इन करना है। सो फॉर लॉन्ग हेयर और मीडियम हेयर ये थोड़ा सा बन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपके बाल पतले हैं तो आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके बाल छोटे हैं और आप एक बन बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली ट्रिक यूज करके बन बना सकते हैं। तो रबर बैंड को ढीला करना है और धीरे धीरे आपको सारे बाल जो हैं आपके वो अंदर की तरफ आपको सारे घुसा लेने हैं और फिर बचे हुए बालों को इस तरह से आप पकड़ लीजिए। और क्लोज लुक में आपको देखना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब बालों को छोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा और फिर आप उसको ऊपर की तरफ सारे बाल ले जाइए और यहाँ पे आप इसको टग इन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप पिन से इसे सिक्योर कर लीजिए। मैं यहाँ पे टिक टैक पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके बाल कितने मोटे हैं उस हिसाब से आप पिन यूज कर सकते हैं, बॉबी पिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पतले बाल हैं, मोटे बाल हैं तो टिक टैक पिन अच्छे से होल्ड करके रखता है बालों को। तो यहाँ पे टिक टैक पिन लगा लीजिए दोनों साइड, तो ये जो बन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आपको लगता है बीच में पार्टीशन वगैरह कुछ दिख रहा है तो उसको बालों को और ऊपर करके फिर सेंटर में एक आप बॉबी पिन को अंदर की तरफ यू पिन की तरह उसको अंदर डाल दीजिए सेंटर में, तो जो बन है वो आपका पूरा फुली अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो ये बन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय।